शेयर बाजार इस समय हर रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने नए ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सेंटा क्लॉज रैली है। क्रिसमस के त्यौहार के आसपास शेयर बाजार में जो तेजी आती है अक्सर उसे सेंटा क्लॉज रैली कहा जाता है। हालांकि जब बाजार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लोगों के पैसे बन रहे हैं और उन्हें मुनाफा हो रहा है, ठीक उसी समय भारत से दूर कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो आगे चल के बाजार के इस पूरे मूड को बिगाड़ कर रख सकती हैं। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स अभी से निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इन एक्सपर्ट को मुख्य रूप से दो चीज़ों को लेकर चिंताएँ हैं। ये दोनों चिंताएँ क्या हैं, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। एक्सपर्ट्स की पहली चिंता यह है कि दुनिया के कुछ बड़े और विकसित देशों की जीडीपी ग्रोथ में तेज गिरावट आई है। इन देशों की इकोनॉमी में गिरावट का असर कई भारतीय कंपनियों की ग्रोथ पर देखने को मिल सकता है। दूसरी चिंता है स्वेज नहर से होने वाले व्यापार रूट को लेकर। होती विद्रोहियों के हमले के बाद स्वेज नहर से होने वाले व्यापार को लेकर संकट खड़ा हो गया है। अगर यह संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो यह एक बार फिर से पूरी दुनिया में महंगाई के जिन को जिंदा कर सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। वैसे बीते 1 नवंबर के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी तेजी आई है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 1 नवंबर को संकेत दिया था कि वह ब्याज दरों में जारी बढ़ोतरी को रोक सकता है। इसके बाद दिसंबर में उसने पहली बार आधिकारिक रूप से न सिर्फ ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने की बात कही बल्कि अगले साल 3 बार ब्याज दरों में कटौती करने का भी संकेत दिया। इस खबर से पूरा ग्लोबल मार्केट झूम गया था। सेंसेक्स और निफ्टी तो नवंबर के बाद से करीब 13% ऊपर जा चुके हैं। अमेरिका में रेट कट होने पर भारत में काफ़ी विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। इससे पहले बीजेपी की 3 अहम राज्यों में जीत ने भी बाजार का जोश हाई कर दिया था। हालांकि अब लाल सागर में बैठे हूती उग्रवादी इस तेजी में खलल डालते दिख रहे हैं। हुआ यह है कि हूती उग्रवादियों ने लाल सागर से आने वाली समुद्री जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। उनकी तरफ से लगातार लाल सागर में मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। हूती उग्रवादियों का कहना है कि वह ये हमले हमास के समर्थन में कर रहे हैं जो इस समय गाजा पट्टी में इजराइल से जंग लड़ रहा है। लाल सागर में हमले के चलते समुद्री जहाजों के लिए स्वेज नहर तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। हमले के डर से CMA CGM हॉपॉग लायट मेस्कर और MSC जैसी कुछ बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस समुद्री मार्ग पर अपना कारोबार रोक दिया है। यह सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और यूरोप की जीडीपी ग्रोथ में तेज गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। खुद अमेरिका के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2024 के लिए अपने ग्रोथ अनुमानों को घटा दिया है। अटलांटा के फेडरल रिजर्व ने तो दिसंबर में महज 1.2% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जताया है, जबकि इसकी पिछली तिमाही में आंकड़ा 5.2% था। इसी बीच स्वेज नहर संकट के चलते अब सप्लाई चेन के मोर्चे पर भी नई चिंताएं सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ी चिंता महंगाई बढ़ने को लेके है। अगर महंगाई बढ़ी तो फिर 2024 में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया का करीब 10-12% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वेज नहर से होता है। वहीं अगर मालवाहक समुद्री जहाजों की बात करें तो दुनिया के करीब 30% मालवाहक जहाज अपने सामान इसी स्वेज नहर से होकर ले जाते हैं, लेकिन हूती उग्रवादियों ने इन मालवाहक जहाज़ों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद रीजनल क्रूड ऑयल प्राइस पिछले कुछ दिनों में $8 से $9 प्रति बैरल पहुँच गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार इस समय अपने औसत से ऊँचे भाव पर कारोबार कर रहा है। ऐसे समय में विकसित देशों की इकोनॉमी में गिरावट, सप्लाई चेन के मोर्चे पर संकट और महंगाई बढ़ने की आशंकाएं किसी भी तरह से शेयर बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में निवेशकों को बाजार में संभल कर कदम रखना चाहिए और उन्हें कुछ मुनाफा वसूली पर भी विचार करना चाहिए। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए पूरा रिसर्च किया था मनी कंट्रोल रिसर्च टीम के स्पेशल एनालिस्ट अनुभव साहू ने। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और X यानी कि Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।